हे गाइस, वेलकम बैक टू जिया का जायका। आज हम आ गए आपके साथ फिर से न्यू रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे पोटैटो चिप्स। तो हमने लिया है यहाँ पे आलू, इसे हम अच्छे से छील लेंगे। देखिए हमने इसे छील लिया है। अब हमने लिया एक कटर, इसमें हम आलू को स्लाइस कर लेंगे। देखिए बिल्कुल पतला पतला हमने इसे स्लाइस कर लिया है। जितना ही पतला होगा उतना क्रिस्पी हो जाएगा। अब हम इसे वॉश कर लेंगे, दो तीन बार हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हमने लिया है कॉटन का कपड़ा, इसके ऊपर से डाल देंगे अपने सारे आलू को। हम इसे कॉटन के कपड़े पे इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। हम इसे कॉटन के कपड़े से हल्के हाथों से दबाएंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। देखिए हमारे सारे आलू का एक्स्ट्रा पानी निकल गया है, तो हम इसे करेंगे फ्राई। हमने लिया एक कढ़ाई में ऑयल, जिसको हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद एक एक करके इसमें डाल देना है अपने आलू को। और ध्यान रहे हम इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। इसे हम डीप फ्राई करेंगे क्रंची होने तक। देखिए क्रंची होना स्टार्ट हो गया है। देखिए क्रंची फ्राई हो गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम सारे को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये भी फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसको मार्केट जैसी मसाले चिप्स बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और लाल मिर्च का पाउडर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए झटपट हमारा आलू का चिप्स बन के रेडी हो गया है। आप भी पोटैटो चिप्स की रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।